नमस्कार दोस्तों, मैं तानिया। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब पर। दोस्तों, आज मैं आपको पांच ऐसे डिपार्टमेंट बताने जा रही हूँ जहाँ पर यकीन माने आप आने वाले 2 से 4 साल के अंदर आप अपना एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वीडियो को आप पूरा देखना। यकीन मानिए, मैंने भी अपने करियर की स्टार्टिंग ऐसे ही की थी किसी टाइम, जिसे आप 10th 10+2 ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट खास तौर पे 10th और 10+2 बेसिस पे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो डिपार्टमेंट मैं आपको पांच बताने जा रही हूँ उसके रिगार्डिंग आपको किसी तरह की कोई हेल्प कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आप देखिए वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा आपको, सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं कोई भी वीडियो डालूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा और आप समय रहते जॉब को अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको पांच वो डिपार्टमेंट बताने जा रही हूँ जहाँ पर आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखिए BPO, जहाँ पर अगर आप फ्रेशर हैं तो 6500 से 7800 तक सैलरी हो सकती है, एक्सपीरियंस्ड के लिए 10,000 तक, और अगर इंटरनेशनल है तो 18,000। मैं आपको इंटरनेशनल का भी बताऊंगी क्या है। ठीक है, तो देखिए टेलीकॉम में जो सैलरी है 8,000 से 9,800 तक और 10,000 से 18,000 प्लस इंसेंटिव। ठीक है, और जो डेटा एंट्री का है उसमें देखिए 7,000 से 9,000, अगर एक्सपीरियंसड है 9,000 से 15,000, और ऑटोमोबाइल में देखिए 7,500 से 10,000 फ्रेशर के लिए, 10,000 से 18,000 या 20,000 एक्सपीरियंस्ड के लिए। ठीक है, इंश्योरेंस में 7 से 10 तक और 10 से 14 प्लस इंसेंटिव एक्सपीरियंस्ड के लिए। ठीक है, और देखिए रियल स्टेट में 10 से 12,000 सैलरी तो होगी, 12,000 से 18,000 जो एक्सपीरियंस्ड के लिए है। और देखिए इसमें से सबसे अच्छी बात है कि BPO और डेटा एंट्री का जो वर्क है आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, बॉयज़ गर्ल दोनों के लिए ये सारी जॉब्स हैं जहाँ पे आप एक अच्छा अपना फ्यूचर बना सकते हैं। ठीक है, और इस पे से जो ऑटोमोबाइल और रियल स्टेट है जहाँ पे आप ऐसा सेक्टर है, मतलब जहाँ पे आप अपना एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं, जहाँ पर आपकी एक सैलरी एक नाम की तरह रह जाती है। ठीक है, मतलब आपका इंसेंटिव ही इतना अच्छा आता है, आप सैलरी तो भूल ही जाओगे। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो को देखना, मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं BPO की। BPO देखिए क्या है, बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मींस एक बिज़नेस है, प्रोसेस है, उसे आउटसोर्स करना। आउटसोर्स मींस किसी दूसरे को दे देना, जैसे कि एक कंपनी है उसके किसी काम को करने के लिए वो दूसरी कंपनी को हायर करती है कि वो कंपनी उसके बिहाफ पर काम करे, उस प्रोसेस को हैंडल करे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि BPO। ठीक है, तो BPO में देखिए प्रमोशंस कैसे होते हैं, अगर आप एज ए एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव की पहले प्रमोशन होती है, आफ्टर दैट टीम लीडर की, फिर सीनियर टीम लीडर, ठीक है, ट्रेनर, सीनियर ट्रेनर, उसके बाद क्वालिटी में आप जा सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट असिस्टेंट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है, HR एग्जीक्यूटिव, HR मैनेजर, अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है। देखिए मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आप स्टार्टिंग भी कर रहे हैं लेकिन साथ में आप अपनी स्टडी अगर कंटिन्यूसली करते हैं तो आपको एक अच्छी प्रमोशन भी मिल सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं टेलीकॉम के। यहाँ पे आप एज अ CSC, यानी कि कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, डेटा की कलेक्शन एग्जीक्यूटिव एंड टेलीकॉलर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए जो प्रमोशन रहती है, आप अगर स्टोर पर वर्क कर रहे हैं एज अ स्टोर मैनेजर, आपको प्रमोशन मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए होती है, इसमें ऑन रोल जॉब रहती है, सारे एक्सपेंसेस आपको कंपनी पे करती है, PF ESI भी आपका कटता है, मतलब बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है, आपका अच्छा फ्यूचर बनेगा। ठीक है, आफ्टर दैट आती है डेटा एंट्री MIS एग्जीक्यूटिव की, ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, किसी एडवोकेट के पास, इंश्योरेंस सेक्टर में, टेलीकॉम में। ठीक है, इसे भी पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, MIS में तो वैसे फुल टाइम होता है। फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं ऑटोमोबाइल की। ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स सेल्स एग्जीक्यूटिव से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आफ्टर दैट प्रमोशन होती है सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव की। ठीक है, उसके बाद आप बन सकते हैं टीम लीडर। ठीक है, देखिए सेल्स मैनेजर और जनरल मैनेजर के लिए अगर आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती आगे जाके, मतलब आप अपनी स्टडी कंटिन्यूसली अगर करते हैं तो आप इस प्रमोशन के लिए भी आप अपने प्रमोशन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तैयारी। उसके बाद देखिए गर्ल्स के, अगर ओनली गर्ल्स के लिए, मतलब कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट कर सकते हैं,
अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी प्रमोशन हो तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बन से आप कस्टमर केयर मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अगर आप साथ में ग्रेजुएशन कर लो, ठीक है, चाहे आप पार्ट टाइम कॉरेस्पॉन्डेंस कर लो, ठीक है, तो तब भी अच्छा है। एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर भी स्टार्ट कर सकते हैं, इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव भी, और एज अ टेलीकॉलर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं ऑटोमोबाइल से, ठीक है। अब देखिए इंश्योरेंस में आप टेलीकॉलर, फील्ड एग्जीक्यूटिव, ठीक है, डॉक्यूमेंट कलेक्शन और सुपरवाइज़र की प्रमोशन हो जाती है, ठीक है। आफ्टर प्रमोशन इंश्योरेंस मैनेजर की हो जाती है, ठीक है, अच्छी सैलरी रहती है इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे रियल स्टेट की। इसमें आप सेल्स एग्जीक्यूटिव या फिर टेलीकॉलर से स्टार्टिंग होती है इसकी, सेल्स एग्जीक्यूटिव से सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है। टेलीकॉलर में अगर देखिए, टेलीकॉलर में वैसे तो बैकएंड की जॉब रहती है, ठीक है, लेकिन जो चाहते हैं कि मैं अच्छी एक अर्निंग भी करूं, वो सेल्स में दोबारा आ जाता है, ठीक है। क्योंकि एक रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल मैंने आपको बताया कि जहाँ पे सैलरी आपकी सिर्फ नाम की रहती है, ठीक है। तो इसमें देखिए, रियल एस्टेट में अगर आप एक डीलर से स्टार्टिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अगर कंपनी में जाने के लिए अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके पास होगा तो आप कंपनी में 20-25 हज़ार आराम से सैलरी अर्न कर सकते हैं, प्लस इंसेंटिव होगा वो अलग से होगा, ठीक है। बड़ी कंपनी में एचआर मैनेजर के लिए आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गई, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए सेल्स में आप सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव के बाद एज अ टीम लीडर प्रमोट हो जाते हैं, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर भी हो सकते हैं, सेल्स मैनेजर भी हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं आपके ऊपर, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर कि आप कितने टाइम में आप परफॉर्म करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो आप या कुछ आपको हेल्प चाहिए होगी, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।